कल का एक निमंत्रण था निशामयिक, सामयिक निमंत्रण का मतलब क्या होता है? हम भारत के सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे के पद पर बधाई देते हैं, कोई निमंत्रण का बधाई, अन्य लोग भी हैं, सभी लोग हैं। इसे सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, और निमंत्रण को अस्वीकार करना स्वीकार करना वो निमंत्रित व्यक्ति का काम है, उन्हें शालीनता दिखाई उस निमंत्रण को उन्हें स्वीकार। सर एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं सर क्या? एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं या सर क्या करें? भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सहमत है हैं या फिर जिस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है एनडीए के अंदर? कौन सा बयान दे रहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बयान तेजस्वी ने दिया था, बयान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है क्या? हम बयान दिए हैं क्या? इस बयान से आप लोग अर्थ निकाल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं सर, एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री हैं सर, आप समझ लो किस जाट पर उछल करके बैठेंगे वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। आज अमित शाह आने वाले समय में सर क्या मध्यावधि चुनाव की बात होगी, फिर चुनाव की बात होगी क्या ऐसी स्थिति? आप मेरी बात को समझ लो, उनके उछल कूद का क्या नतीजा निकलेगा यह कोई दूसरा जानता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता। इसे संभावना के आधार पर किसी चीज की व्याख्या क्यों करें हम? क्योंकि जिसमें अस्थायित्व होता है, जिसमें एक मिशन होता है, जो ये राज्य हित में सोचता है, दंगाइयों के साथ लंबी समय तक रहने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि उनका मन और मस्तिष्क आम लोगों के बारे, गरीबों के प्रति, धार्मिक सौहार्द के प्रति या इस बिहार के प्रति बच गया है। अब उनकी कुर्सी है, अब उनकी कुर्सी पर सुविधानुसार कहाँ जाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन राजद की तरफ से उनको कोई कुर्सी नहीं मिलने वाली। सर क्या लगता है शाहबाद को पार्टी का कोई जलसा नहीं करना? बिहार होता है प्रत्येक ऐसे मौके पर, उस मौके पर सामाजिक कार्यक्रम सबको निमंत्रित किया जाता है, वह एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। अब अपनी उपस्थिति राजद को इतना ही जानता है, अब वह अपने इलाज की शायद क्या बार्गेनिंग करना चाहते हैं अपनी उपस्थिति के बाद उनके शिवक को नहीं जानता है। मुझे लगता है कि सब सवाल का मैं जवाब दे दिया। सवाल के दायरे में जवाब का है सर, एक सवाल है बिहार की राजनीति में बात उठ गई है कि नीतीश कुमार, आप नीतीश कुमार लालू आवास गए हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बदल सकती आने वाले समय में नीतीश कुमार आरजेडी में? या नीतीश कुमार आरजेडी के विषय नहीं है, अब वो बिहार के विषय है, अब समाप्ति के कगार पर है, कहाँ अपना विसर्जन चाहेंगे उनको तय करना है। अरे आरजेडी में आम आदमी सदस्यता लेकर के अपना रहता नहीं है आरजेडी में? आप एक आदमी सवाल करो तो शायद मेरे समझ में। नीतीश कुमार आरजेडी में आना चाहे तो क्या सर स्वागत करिएगा आप लोगों का? सुनो, आम आदमी की तरह सबका स्वागत है, आरजेडी की नीतियों को जो मानेगा हम उसे स्वीकार क्यों करेंगे, लेकिन कोई पद यहाँ पर उनके लिए खाली नहीं। महागठबंधन का फिर से क्या स्वरूप बन सकता है सर बिहार में महागठबंधन का? सर आप देखो जरा, हम पूछ रहे हैं कि जितनी बात करो मैं कहा हूँ इससे कोई अलग की चीज की आशा कर। सर स्पष्ट पूछना है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ गठबंधन में आकर सरकार बनाना चाहे तो क्या ये संभव है? नहीं, मैंने स्पष्ट कहा सरकार उनको बनाने के लिए बनवाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं, अस्थिर दिमाग का व्यक्ति
जो जनहित से वैसी अपनी कुर्सी को देखता हो उस पर बिहार का वो रोशन ही रह गया है, और जनादेश को भरे उन्होंने लूट लिया हो, जनादेश तो तेजस्वी के पक्ष में है और जनादेश उनके पक्ष में तो लोग मान चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में कोई भी कार्यकर्ता बन जाएगा, हमें क्या एतराज हो सकता है, पार्टी को क्या एतराज हो सकता है।